आप लोग हमेशा ये बात नोटिस करेंगे कि एक शिक्षक के लिए आप लोग बहुत सारे हो, लेकिन एक स्टूडेंट के नाते आपका शिक्षक एक या दो ही होता है, वो हमेशा याद रहता है। और आप जहां भी रहते हैं उस शिक्षक को हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपको उन्होंने कुछ ना कुछ दिया जरूर है, ठीक है। तो वो चीजें मैं याद रखता हूँ। तो आदरणीय सर नमस्कार। इसके अलावा हमारे विजय सर जो है वो हमेशा लगातार मेरे से जुड़े रहते हैं, तो उनका धन्यवाद कि आप लोगों के बीच आने का मुझे मौका मिला। ताली बजा। तो अब हम अपनी बात शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरे देखे तो लगा होगा कि ये अपने ही आदमी है, लगा होगा, ठीक है। तो पहले जब हम लोग सुनते थे, देखते थे परीक्षाएं कैसी होती है, क्या होता है, तो हम लोग भी आप ही लोग की तरह थे शून्य, ठीक है। आप लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, भले ही मैं हूँ शून्य, लेकिन हम लोग उस समय सोचते थे कि हम कहाँ पे हैं और हमको क्या करना है, ठीक है। तो मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि आप लोगों को क्या करना है, आगे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे परीक्षा देना है, और कैसे बात नहीं करेंगे ना, प्लीज लास्ट में बात नहीं करेंगे, प्लीज ध्यान देंगे, उससे कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग शून्य से कुछ न होकर जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते जो बारहवीं की परीक्षा होती है, आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे दसवीं और बारहवीं की परीक्षा थोड़ी सी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बोर्ड क्लास होता है, सबका अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन नहीं भी